हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है इफ 8 बॉल पेन कॉस्ट रुपीज 68.80 फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 बॉल पेन। क्या बोल रहा, हमने बाजार गए 8 बॉल पेन खरीदे, मुझे कितने के पड़े 68.80 का पड़ा है। कितने के पड़े 8 बॉल पेन हमारे इतने के पड़े। भाई मुझे 5 खरीदने हैं तो कितने रुपया दूंगा मैं शॉपकीपर को, कितने पैसे दूंगा शॉपकीपर को। ठीक है, तो हमें पता है द कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन, और 8 बॉल पेन हमें कितने के पड़े, 8 बॉल पेन्स कितने के पड़े भाई रुपीज 68.80 रुपीज की। अब मुझे पहले फाइंड आउट करना है एक बॉल पेन मुझे कितने का पड़ेगा। भाई 8 तो मुझे इतने के पड़ेगा, तो एक कितने का पड़ेगा। ठीक है, एक निकालने के हमें भाई किससे, 8 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा एक निकालने के लिए। देन द कॉस्ट ऑफ वन बॉल पेन क्या हो जाएगा भाई, 68.80 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 8 से इसको आप डिवाइड कर सकते हैं भाई, 68.80 8 जो हमारा कितना होता है 64 होता है। ओके, 8 में जो 4 गए 4, अब ये पॉइंट है, पॉइंट हमारा कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ 8 आ जाएगा, 8 सिक्जा कितना हो जाएगा 48, और ये 0 ऊपर, तो हमें पता लग गया कि एक बॉल पेन की कीमत कितनी 8.60। ये तो हमारी एक बॉल पेन की कीमत निकली, लेकिन मुझे तो भाई 5 बॉल पेन की कीमत निकालनी है। अब एक का तो निकल गया, देन द कॉस्ट ऑफ 5 बॉल पेन क्या हो जाएगी, एक की कितने 8.60 इंटू कर दो 5। देखो 5 का 0 से करोगे 0 आएगा, 5 सिक्स जा 30 का 0 कैरी 3। ठीक है, 5 एट जा कितना 40 और 43। देखो दो डिजिट से पहले पॉइंट है, 1 2, यहाँ पॉइंट है, दो 1 2 यहाँ, तो रुपीज़ 43 हमारा क्या 5 बॉल पेन की कीमत क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ 5 बॉल पेन्स कितनी हो जाएगी भाई 43 रुपीज़ हो जाएगी। ओके,